फ्रैंकलिन यार जल्दी से कैमरा निकाल, मुझे तो कुछ दिक्कत लग रही है। गाइस यहाँ पर देखिए सामने क्या हो रहा है। वैसे आप सभी को ठीक से दिखा करी, यहाँ पर ना सामने की स्टार है जिसमें आग लग रही है। लिटरली में पहली बार किसी स्टार में फायर लगते हुए बोलता हूँ, क्या बोले टोनी स्टार्क इसको, हम इसको स्टार फायर बोल सकते हैं। बात तो सही कह रहा है। अरे मैं बर्बाद हो गया। एक मिनट, टोनी स्टार्क तो रो रहा है क्या? मैं नहीं रो रहा, वो सामने देख स्टार फायर कन्वर्ट हो गया भाई किसी में। ओ माय गॉड गाइस देखिए यहाँ पर टोनी स्टार्क ये रो क्यों रहा है। अरे रो ना तो क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया मेरे बच्चों। एक समय पर मैं स्टार एंड फायर ऑल फादर गॉड हुआ करता था, लेकिन फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इतने छोटे हो गए और आप में आग क्यों लगी इतनी बुरी वाली? बताता हूं मेरे बच्चों, सब बताता हूं। एक समय की बात है, मैं 45 हेडेड ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड हुआ करता था। व्हाट, टोनी स्टार्क स्टार एंड फायर? ओह माय गॉड, पहली बार का स्टारे एंड आग को मिलता हुआ देखा मैंने। लेकिन एक मिनट, ये कौन आ गया? अरे हां, ये था स्काई एंड यूनिवर्स गॉड। ये भी मेरी ही तरह बहुत पावरफुल 30 हेडेड ऑल फादर स्काई एंड यूनिवर्स गॉड था, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल मैं था मेरे बच्चों, मैं था। अगर आप उससे ज्यादा पावरफुल थे तो आप हारे क्यों? यही तो मुझे तुम्हें बताना है। असल में वो मेरे पास आया था दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, लेकिन उसने एक साथ से मुझे अपने वॉटर में घुसा दिया। क्या वॉटर में? अब फ्रैंकलिन देख, यहां पर हमारे स्टार एंड फायर गॉड को कितनी बुरी तरह से उसने पानी में घुसा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसने अपने स्काई गॉड की पावर का इस्तेमाल करके मुझे आसमान में उछाल दिया। मैंने सोचा वो शायद मुझे अपनी शक्तियां दिखा रहा है, लेकिन मेरे बच्चों उसका इरादा कुछ और था। मतलब क्या इरादा था सर उसका? वो असल में मेरे हेड चुराना चाहता था, वो भी 23 हेड्स। व्हाट, ओह माय गॉड गाइस देखिए यहां पर ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड हमारे ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड के हेड चुराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि बच्चों मैंने अपने स्टार एंड फायर गॉड की पावर का इस्तेमाल करके उस ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड को मारने की कोशिश की। अरे वाह क्या बात है, अब तो जरूर यहां पर ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड हार जाएगा। बिल्कुल फ्रेंडली लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, नहीं ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या क्या मतलब है? उसने उल्टा मुझ पर अपने खतरनाक मीटियोर्स का अटैक कर दिया। पूरी दुनिया में जलजला आ गया, यहां तक कि उसने ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करके मेरे हेड्स को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसी के अटैक को उसी पर उल्टा कर दिया। ओ यस गाइस, हमारा ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड भी कम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ओ नो यार, फिर क्या हुआ? कम से कम 3 से 4 साल तक मेरा युद्ध चला ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड तक, और मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। ओ नो गाइस, अरे टोनी स्टार्क देख, टोनी स्टार्क देख गाइस, हमारे ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड के हेड्स को चुरा रहा है ये यूनिवर्स एंड स्काई गॉड। गाइस यहां तक कि स्टार एंड फायर गॉड ने अटैक करने की कोशिश भी की। हम मुझे तो एक टाइम पे लगा था हमारा यूनिवर्स एंड स्काई गॉड हार जाएगा, लेकिन देखिए इसने हमारे ऑल फादर स्टार एंड स्काई गॉड के कितने सारे सूर चिरा लिए मेरे बच्चों। उसके बाद यूनिवर्स एंड स्काई गॉड ने मेरे टोटल 23 हेड्स चुरा लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो फिर वहां से जाने लग गया। ओह माय गॉड सर, लेकिन एक मिनट, आपके पास अभी भी 22 ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड के सूट थे, उनका क्या हुआ? मेरे बच्चों मैं जैसे यहाँ पर संभलने के लिए खड़ा हो रहा था, एक साथ से दूसरा गॉड आ गया। ओ माय गॉड टोनी स्टार्क, ये तो ऑल फादर अर्थ गॉड है। अब इसी की कमी थी गाइस, हमारे धरती के गॉड जिसको हम ऑल फादर अर्थ गॉड कहते हैं, उसने यहाँ पर हमारे ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड पे हमला कर दिया। वो चाहता था कि मैं धरती से अपनी आग और स्टार को हटा लूं। मैं इस बात को नहीं माना। हमारा युद्ध कम से कम 4 साल तक चलता रहा, और उसने मेरी पूरी बॉडी पर अपने पेड़ उगा दिए। ओह नो गाइस, देखिए धरती ने यहाँ पर अपना पूरा नेचर हमारे स्टार एंड फायर गॉड पर फैला दिया है। उस वजह से हमारे स्टार एंड फायर गॉड को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ? आपने इस पर अटैक नहीं किया? मैंने कोशिश की थी मेरे बच्चों, लेकिन वो मुझे पीटता चला गया। उसने मेरी इतनी बुरी हालत की कि बाकी के बचे 22 हेड्स भी उसने एक झटके में मुझसे चुरा लिए, और 4 साल का युद्ध खराब हो गया और मैं हार गया। ओ नो टोनी स्टार्क, यार हमारे ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड के साथ ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ। बिल्कुल फ्रैंकलिन यार, मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है इनके लिए। मेरे बच्चों फिर मैं बहुत छोटा हो गया और इस तरह से आधा टूटा अधूरा स्टार एंड फायर गॉड बन गया। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन हम आपकी मदद कैसे करेंगे? फ्रैंकलिन बेटा अपना फोन खोल और मेरे लिए जल्दी से सूट खरीद ले। सूट खरीदने के लिए तो गाइस ये लॉक तोड़ना पड़ेगा, चलो इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं। गाइस यहां पर ये
ताला तभी टूटेगा जब तक आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो कमेंट में एटी के मरोपी भी लिखना। बिल्कुल गाइस, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तभी ये वेबसाइट खुलेगी। वाह, यहाँ पर ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड के सूट शॉप खुल गए। सूट प्राइस 1,000 मिलियन, सूट प्लस 4,000। और भाई टोनी स्टार्क, यहाँ पे दो सूट है, एक का प्राइस है 1,000 और एक का प्राइस है 4,000। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, वो भी कोई डॉलर नहीं, 4,000 मिलियन डॉलर है। ये क्या है सर? ये एक बहुत ही स्पेशल गन है मेरे बच्चों, तुम इसका इस्तेमाल करके किसी भी जीव जंतु इंसान या फिर गॉड को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या सच में? ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, ये तो बहुत स्पेशल गन है। तो गाइस अभी हमको जल्दी से सूट ढूंढने होंगे, एक बार कुछ स्पेशल सूट मिल जाए उनको हम पैसों में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपने ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड की। अरे ये गर्मी क्यों फैल गई, ऑल फादर सन गॉड आ चुका है। ओ नो गाइस, यहाँ पर ये ऑल फादर सन गॉड क्यों आया है? मैं धरती को पूरी तरह से भस्म कर दूंगा। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, ये ऑल फादर सन गॉड हमारी दुनिया पर क्यों अटैक कर रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। और तो गॉड बहुत घमंडी हो गया है, इसलिए उसको उसकी औकात दिखानी होगी। मैं जल्द से जल्द सारे इंसानों को पिघला दूंगा। अभी टोनी स्टार्क, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे कार्स तो क्या हर चीज पिघल रही है। अबे फ्रैंकलिन यार, हम तो यहाँ पर इंसानों को नहीं बचा पाएंगे, तो ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड को कैसे बचाएंगे? बात तो तू सही कह रहा है। गाइस अब तो आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, जल्दी प्लीज देखिए कितनी बुरी गर्मी हो रही है, जल्दी इन प्यारे इंसानों के लिए। अरे वो एक मिनट, ये क्या गाइस, जितने भी इंसान यहाँ पर पिघल रहे थे वो सब मॉन्स्टर बन रहे हैं। अबे फ्रैंकलिन, इन सभी मॉन्स्टर्स को हमें रोकना पड़ेगा, वरना ये हमारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इन सभी इंसानों को जो बेचारे मॉन्स्टर बन गए, जो अनजान इस बात से कि वो अपनी प्यारी धरती को तबाह करने जा रहे हैं, इन सभी को हमें रोकना होगा। क्या करूं क्या करूं, आइडिया? गाइस हम इन्हीं को पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे तो मेरा दिल दुख रहा है लेकिन क्या करूं। अरे वाह, एक सूट का 50 मिलियन मिला। गाइस इसको भी करता हूं, मुझे जल्द से जल्द यहां पर ऑल फादर सन गॉड को भी हराना होगा, ये गर्मी से पूरी धरती को जला देगा। गाइस माना कि ऑल फादर अर्थ गॉड घमंडी हो गया, लेकिन इसमें हमारी प्यारी धरती का क्या दोष यार, मासूम इंसानों को क्यों मार रहा है ये। गाइस हमें जल्दी जल्दी यहां पे अपना काम करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, यहां पर ये ग्रैनी और है, ये वाह फ्रैंकलिन वाह, तू कमाल कर रहा है मेरे भाई। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं, ये हगी वगी जिला को भी हमने पैसों में कन्वर्ट कर लिया, क्या बात है, मेरे पास 220 मिलियन हो गए। टोनी स्टार्क क्या मित्र, अबे ये कौन आ गया? अबे फ्रैंकलिन ये तो वही है जिसने हमारे ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड की पावर चली थी। क्या ये तो ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड है? जो क्या कर रहा है सन गॉड? ओह माय गॉड, जैसे ही ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड यहां पर आया, देखिए गर्मी कम हो गई। अरे चला जा यहां से, उस अर्थ गॉड को मैं छोड़ूंगा नहीं, निकल यहां से। नहीं, अर्थ गॉड मेरा दोस्त है, चला जा सन गॉड वरना तुझे तबाह कर दूंगा। अबे टोनी शॉक, मेरे पास एक आईडिया है, जितने ये गॉड्स लड़ रहे हैं इनमें से जो भी कमजोर होगा हम उसको पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। बात तो सही कह रहा फ्रैंकलिन, देख यहां पर ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड सन गॉड को पीट रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड। नहीं, मैं तुझे खत्म करूंगा, समझा, ये ले बर्बाद कर दूंगा तुझे। ओ माय गॉड गाइस, यहां पर सन गॉड को ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड हराने लग गया। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स गॉड सन गॉड से ज्यादा पावरफुल है। और देखिए यहां पर ना मेरे पास सही मौका है, फ्रैंकलिन जल्दी कर, गाइस हम इसको पैसों में कन्वर्ट कर लिए, क्या बात है, मेरे और टोनी स्टार्क के अकाउंट में 1,000 मिलियन डॉलर आ चुके हैं। टोनी स्टार्क मेरी बात सुन, हमें ना यहां पर 1,000 मिलियन डॉलर मिल गया। अबे मार दिया अबे फ्रैंकलिन, ये क्या, तुम लोग कौन हो, यहां पर तुमने सन गॉड के साथ क्या किया, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके तुमने उसको पैसों में बदल लिया, मुझे दे दो। नहीं 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 नहीं, टोनी स्टार्क यहां से भाग चलते हैं भाई, हमें जल्दी से यहां पर ना अपने ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड के पास चलना पड़ेगा, जल्दी चलते हैं। गाइस एक बार हम ऑल फादर फायर स्टार गॉड की मदद कर दें, उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। फ्रैंकलिन नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तू यहीं पर फोन निकाल। लेकिन क्यों, तू यहीं पर सूट खरीद, हम अब तो इस ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड को हरा कर ही जाएंगे। अरे तू पागल हो गया क्या, चलो गाइस यही कर लेते हैं। ऑलराइट अब यहां पर मैं खरीदने जा रहा हूं 1,000 मिलियन डॉलर का ऑल फादर फायर एंड स्काई गॉड का सूट। गाइस मैंने और टोनी स्टार्क ने सूट को पहन लिया है। नहीं, ये क्या, ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड को तो मैंने और मेरे दोस्त अर्थ गॉड ने हराया था, तू कौन है? मैं और टोनी स्टार्क यहाँ पर ऑल फादर फायर स्टार गॉड को तुम जैसे घमंडी गॉड से बचाएंगे। फ्रैंकलिन मेरे पास यही मौका है, तो यहाँ पर इस पे अटैक करता रहे रिपीटेडली, जब तक ये डिस्ट्रैक्टेड है तुझसे लड़ने में, मैं नीचे जाता हूँ और जाकर इसको पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, टोनी स्टार्क का एकदम मास्टर प्लान है, चल चल चल। गाइस अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पर इंसाफ का साथ दूं और यहाँ पर सच्चाई और अच्छाई को जिताऊं, तो प्लीज कमेंट में एक बार यस लिखो, कम ऑन ये मारा। अरे वाह फ्रैंकलिन, हमें 1,000
$4 million मिल गए। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू? अरे भाई मैं ऊपर हूँ, मेरी हालत टाइट होगी लड़ते लड़ते। चल तो चल, अब जल्दी चलते हैं। अरे वाह मेरे बच्चों, तुमने मेरा सूट खरीद लिया, क्या बात है। ये तो कम से कम 20-हेडेड ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड है। ये लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट देता हूँ। क्या? अब वाह फ्रैंकलिन, हमें तो ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड का आयरन मैन का सूट मिल गया और मुझे हल्क का सूट मिल गया। चल जल्दी चलते हैं, अब मैं जल्द से जल्द उस अर्थ गॉड को और हराना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड को हरा दिया। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, देख सामने ये ऑल फादर अर्थ गॉड है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। यार ये इतने सारे पेड़ क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्रैंकलिन, अर्थ गॉड नेचर से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसके पास नेचर की हर शक्ति है, पानी, आग, हवा और यहाँ तक कि ये पेड़, सब कुछ। इसलिए ध्यान से आगे बढ़ना। ठीक है ठीक है गाइस, वैसे भी हम इतने छोटे हैं। निकल जाओ यहाँ से, तुम ही हो ना जिसने मेरे प्यारे प्रिय दोस्त ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड को हराया। अरे भाई इसको पता कैसे चल गया? अबे ये गॉड है फ्रैंकलिन, ऑब्वियस सी बात है ये सब देख रहा होगा दूर से। अरे फिर तो ये मैं छोड़ने नहीं वाला। फ्रैंकलिन यार हम गलत फंस गए, हमें सबसे पहले ना इसके पेड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। आइडिया फ्रैंकलिन, वैसे भी तेरी गन किसी भी चीज को पैसे में बदल सकती है ना? हाँ लेकिन पेड़ को बदल सकती है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे दे गन, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। गाइस टोनी स्टार्क पागल हो गया है, कोई पेड़ पैसों में बदल सकता है क्या? बिल्कुल बदल सकता है हमारा। और फ्रैंकलिन देख मेरे पास 300 मिलियन आए। अरे नहीं ये क्या फ्रैंकलिन, तुझे एक चीज दिखाऊं, जैसे जैसे इन पेड़ को मैं पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूँ अर्थ गॉड के हेड गायब हो रहे हैं। अरे हाँ इसका मतलब इसकी रियल सुपर पावर इन पेड़ में छुपी पड़ी है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये ही तो सुपर राज है और इस राज को हमने पता कर लिया है, इसका मतलब अब तो ऑल फादर अर्थ गॉड खलास। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। देखा फ्रैंकलिन वो कैसा बुरा हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए ऑल फादर अर्थ गॉड के साथ। इसने हमारी धरती के साथ नाइंसाफी की, इंसानों के साथ नाइंसाफी की, इवन यहाँ पर इसने ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड के साथ नाइंसाफी की, इसलिए अब इसका लास्ट पेड़ गया। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं। अरे वाह फ्रैंकलिन देख, ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड को अब इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमने ऑल फादर अर्थ गॉड एंड ऑल फादर यूनिवर्स एंड स्काई गॉड को सबक सिखा दिया। अब चल फ्रैंकलिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है टोनी स्टार्क जल्दी चलते हैं। गाइस अब हम जाते हैं जल्दी से, आप अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमें ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड को $4 million का सूट देना है। उसके बाद अरे हां गाइस उसके बाद हमें भी तो हमारा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वाह मेरे बच्चों वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ पर मेरी मदद करने आए। ऑल राइट गाइस, अभी $4 million में ऑल फादर स्टार एंड फायर गॉड का सूट खरीदने जा रहे हैं। देखिए गाइस अभी ना मैंने किया परचेज पे क्लिक। अबे फ्रैंकलिन लिटरली में ये तो 50-हेडेड ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड बन गए। और बच्चों तुम्हारा गिफ्ट ये रहा। ओके गाइस हमने अपने ऑल फादर फायर एंड स्टार गॉड को 45 से 50-हेडेड बनने में मदद की और बदले में उन्होंने मुझे ये जॉइंट फायर एंड स्टार गॉड हल्का फ्रैंकलिन वाला सूट दिया। इतना नहीं गाइस, मेरे पास तो फ्रैंकलिन से भी बढ़िया सूट है, फायर एंड स्टार आयरन मैन का सूट। गाइस आप ही बताइए किसका सूट ज्यादा बढ़िया है, मेरा या टोनी स्टार्क का, कमेंट में जल्दी लिखो। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।